बहुत दिनों पहले हृदयपुर गांव में मुन्नी नाम की एक दूध वाली रहती थी। नींद से उठकर उसका पहला काम था गौशाला को साफ करके सुरभि को खाना खिलाना। मुन्नी सुरभि को बहुत प्यार करती थी। सुरभि उसकी प्यारी गाय थी। सुरभि का भी एक प्यारा सा बछड़ा था। मुन्नी ने उसका नाम धवली रखा था। सुरभि और धवली के साथ ही मुन्नी का दिन बीतता था। मुन्नी दूध दुहकर धवली को पिलाकर दूध गर्म करती थी। दूध को गर्म करके घी बनाती थी। मुन्नी के हाथों का घी बहुत प्रसिद्ध था। हृदयपुर गांव में सभी मुन्नी से ही दूध और घी लेते थे। दिन रहते ही मुन्नी घी लेकर निकल पड़ती थी। गांव के रास्तों पर घूम घूम कर घी बेचती थी। घी ले लो, घी, शुद्ध घी, घी ले लो, घी, अच्छा घी, शुद्ध घी, घी ले लो। उसकी आवाज सुनकर गांव के सब लोग घी खरीदने के लिए व्याकुल हो जाया करते थे। मुन्नी, मुझे 1 किलो घी चाहिए। ये लीजिए मौसी, लीजिए। मुन्नी से घी लेकर उसे पैसे देते हैं। मुन्नी चली जाती है दूसरे ग्राहक के पास। ऐसे ही मुन्नी का दिन कट जाता था। मुन्नी की तरक्की देखकर मुन्नी का पड़ोसी कालू और उसकी पत्नी माला को बहुत जलन होती थी। उन दोनों पति पत्नी ने विचार किया कि मुन्नी की तरह वो भी घी का व्यापार करेंगे। एक दिन कालू ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो माला, हमारे पास भी तो गाय हैं, हम भी घी का व्यापार शुरू कर सकते हैं ना? पर ये बताओ, मुन्नी के मशहूर होने पर ये बताओ कि हमारा घी कौन खरीदेगा भला? अरे सब हो जाएगा, बस जरा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ, हम उस मुन्नी को कम मूल्य में घी बेचेंगे जिसमें आधा हम वनस्पति तेल मिलाएंगे और आधा घी होगा। और थोड़ा सा घी की तरह महकने वाला पाउडर छिड़क देंगे। ये सोचकर उन्होंने घी का व्यापार शुरू किया। पहले कालू मुखिया की पत्नी के पास गया। मालकिन, ओ मालकिन, घी लेंगी क्या? शुद्ध घी है। नहीं कालू भैया, मैं तो मुन्नी से ही घी लूंगी, उसका घी बहुत अच्छा है। एक बार आप घी की सुगंध लेकर तो देखिए, सूंघिए सूंघिए ना। ये कहकर कालू ने घी के बर्तन का ढक्कन खोला। घी के पाउडर मिलाई हुई गंध ने मुखिया की पत्नी को मदहोश कर दिया। वाह, सुगंध तो बहुत ही बढ़िया। मुन्नी के घी में तो ऐसी सुगंध है ही नहीं। वो मुन्नी है ना, दूध में इतना पानी मिलाती है कि दूध को गर्म करने पे घी से ऐसी सुगंध कैसे निकल सकती है, बताइए। मालकिन, आप जिस मूल्य में मुन्नी से घी लेती है ना, उससे आधे मूल्य में मैं आपको दूंगा। मुखिया की पत्नी ने गांव के सभी लोगों को कह दिया कि मुन्नी एक ठग है। अब मुन्नी क्या करती, थोड़ा सा घी निकाल कर दूर गांव में बेचने जाती। घर लौटकर सुरभि और धवली को पकड़कर रोने लगती और कहती, सुरभि बता दो, मेरा क्या कसूर है? सबने मुझे गलत क्यों समझा सुरभि? मुन्नी जोर जोर से रो रही थी और अपना सुरभि मुन्नी की तरफ टकटकी लगाए देखे जा रही थी। एक दिन मुन्नी दूर गांव में घी बेचने जा रही थी। रास्ते में एक ग्रामीण ने उसे बुलाकर जोर से डांट कर कहा, ए मुन्नी, मैं तो तुम्हें हमेशा सच्चा समझता था, तुम तो इतने दिनों से हमें ठग रही थी। कालू के घी की सुगंध तुम्हारे घी से बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, और मूल्य भी तुमसे आधा है। छी 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 मुन्नी छी। मुन्नी ने चुपचाप सारी बातें सुनी। वो अकेले बैठकर रो रही थी। आज सुरभि की आंखों में भी आंसू थे, सुरभि भी रो रही थी। कालू की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसकी बिक्री बढ़ गई थी। उसने और लाभ की आशा में घी में और भी अधिक वनस्पति तेल मिलाकर गांव के रास्तों पर बेचते बेचते वो पहुंचा सत्या हलवाई के घर। उसे देखकर सत्या ने उसे बुलाया। अरे कालू भाई, कालू भाई, आज मुझे 4 किलो घी दो जरा। क्यों, क्या बात है सत्या,
आज इतना ज्यादा घी ले रहे हो? आज जमींदार बाबू के नाती का अन्नप्राशन है, मुझे देसी घी की मिठाइयाँ बनानी है। कालू ने 4 किलो घी वजन करके सत्या हलवाई को दे दी और उधर सत्या हलवाई की मिठाइयाँ खाकर पूरे गांव के लोगों की तबीयत खराब हो गई। यहाँ तक कि जमींदार जी खुद भी बीमार पड़ गए। उसके बाद सत्या हलवाई को बुलाया गया। सत्या हलवाई के आने पर जमींदार बाबू ने पूछा, वो भी कड़े स्वर में, क्यों रे सत्या, तुम्हारी बनाई मिठाई खाकर गांव के सभी लोग बीमार कैसे पड़ गए? सत्या डर से कांपने लगा। एक तो बड़े जमींदार, ऊपर से इतनी कड़ी आवाज, सत्या के हाथ पैर बिल्कुल ठंडे पड़ गए। किसी तरह से हिम्मत जुटाकर सत्या ने कहा, बाबूजी, बाबूजी, खाना खाकर मैं भी बीमार पड़ गया था, पर विश्वास करिए, मैंने छेने में कोई भी मिलावट नहीं की थी, सिर्फ घी लिया था उस कालू से। उधर गांव वाले गुस्से में आए और एक ग्रामीण ने कहा, वाह 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 वा, अपनी गलती छुपाने के लिए उस बेचारे कालू पे दोष लगा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? दूसरे ग्रामीण ने कहा, हम तो सब उसी से घी लेते हैं, पर हम तो कभी बीमार नहीं पड़े। स्वीकार करो कि तुम्हारी मिठाई खराब थी। सत्या ने मन ही मन ये तय किया कि वो कालू को रंगे हाथों पकड़ कर ही रहेगा, इसलिए उसने मुखिया जी के सामने जाकर कहा, मुखिया जी, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे लगता है घी में ही समस्या थी। अगर आप मेरे साथ एक बार चले तो फिर कौन सच कह रहा है और कौन झूठ कह रहा है ये साबित हो जाएगा। ठीक है। दूसरे दिन सुबह सत्या और मुखिया जी ने कालू के घर की खिड़की से भीतर झांका। उसी समय कालू और माया घी में वनस्पति मिलाने में व्यस्त है। तभी सत्या और मुखिया जी घर के अंदर चले गए। मुखिया ने कहा, छी छी कालू, छी, तुम इतने नीच हो कि खाने के सामान में मिलावट करते हो। तुम्हारे मिलावट के घी खाकर गांव के सभी व्यक्ति बीमार पड़ गए थे और सारा दोष तुम मुझ पर डालकर खुद सच्चे बन गए। चलो चलो कल कचहरी चलो, कल तुम्हारा फैसला होगा। दूसरे दिन जमींदार के घर हाजिर हुआ कालू। सत्या और मुखिया जी ने जो देखा था वो सब बताया। सुनकर जमींदार ने कहा, खाने की चीज में जो मिलावट करते हैं वो एक तरह से खूनी ही है, समझे तुम? तुम्हें मैं राजा के कारागार में बंदी करूँगा। उसके बाद राजा के सेवक आकर कालू और माला को पकड़कर ले गए और गांव वाले समझ गए कि उन्होंने मुन्नी पर बहुत अत्याचार किया है। वो लोग मिलकर मुन्नी के पास जाते हैं। मुखिया की पत्नी ने कहा, मुन्नी, हम सब यहाँ पर तुमसे माफी मांगने आए हैं, हमें माफ कर दो। अब मुन्नी खुशी से रो रही थी, अपनी सफाई की खुशी से। मुन्नी को पता था सच कभी भी छुपाया नहीं जा सकता, इसलिए सबके जाने के बाद सुरभि और धवली को गले लगा लिया। सुरभि की आंखों में भी आंसू हैं, सुरभि भी रो रही है, लेकिन ये आंसू खुशी के हैं।